बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जब हैरी मेट सेजल आज आखिरकार रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में शाहरुख और अनुष्का सेकंड टाइम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आए दर्शकों की क्या राय है देखते हैं। द बेस्ट वन प्रॉब्ली आई थिंक द केमिस्ट्री वाज रियल गुड। पार्डन 5 में से 3.5 बहुत अच्छी थी यार। और शाहरुख के लिए तो कुछ कह सकते हैं यार, शाहरुख की तो रोमांटिक मूवी थी, इसके लिए तो आए थे हम। 5 में से तो 5 देंगे। बहुत ही अच्छी मूवी थी, शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है एज यूजुअल। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, वेरी सैटिस्फाइंग, डेफिनेटली अ 5 स्टार। या इट वाज अमेजिंग। शाहरुख इज बैक, वी कैन से ही इज बैक। अमेजिंग। 5 में से वी कैन से 4। वेरी गुड। शाहरुख और अनुष्का की एक्टिंग जोड़ी अच्छी है। स्टोरी में कुछ दम नहीं है, लेकिन इम्तियाज अली ने ये जो बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के 6-6 कंट्री दिखाई है ना, वो बहुत मजा आता है। 5 में से 4 तो बनता है और अच्छा एकदम। बहुत ही काफ़ी अच्छी थी एक्टिंग, और शाहरुख ने तो मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, आखिर तक बांध के रखी इस फिल्म ने। जब हैरी मेट सेजल 5 स्टार, अमेजिंग, बेस्ट मूवी। पिक्चर अच्छी है, दोनों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है और पिक्चर बहुत पसंद आई। 4 दूंगी मैं। क्यों? बहुत सही है फिल्म, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। स्टोरी इज नॉट इमोशनल, इट्स एंटरटेनिंग, यू लव द स्टोरी। बटरफ्लाई एंड हवाएं बोथ द सॉन्ग्स। 3.5। मूवी अच्छी थी, लाइक स्टार्टिंग में अच्छी थी, लास्ट में थोड़ा सा ड्रैग था, थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बट अदरवाइज मूवी अच्छी थी। शाहरुख और अनुष्का की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, मतलब हालांकि उनमें एज डिफरेंस है, बट स्टिल उन दोनों का मतलब इतना इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि लास्ट में आप खुद इमोशनल हो जाते हो, स्टोरी के साथ ड्रैग हो जाते हो। 4.5। तो हैरी और सेजल ने तो इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्ते में ये फिल्म क्या धमाल करती है। कैमरामैन गोविंद के साथ विदिता प्रताप, बॉलीवुड सन.com, मुंबई।